चार दिन से बीमार था, आप लोगों ने तश्वीश नहीं करी, कुछ नहीं। मैंने क्या किया, मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि पेड़ में जाने के बाद तो वैसे ही मिलना है सबने। दुआ करिएगा मेरी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि आप बहुत ना अब बुरा लग रहा है। क्या करना है आज का, फिर क्या सीन है, किधर जा रहे हैं यार? बस आज बाहर निकल जाएंगे, आज कुछ भी आज देखेंगे। बाहर तो निकलूं, पांच दिन बाद तो घर से बाहर निकल रहा हूं मैं। रांची में ये है कि भाई अगर आप रोड पे निकल गए ना, अगर आप किसी को नहीं मारेंगे तो वो आपको मार देगा। साड़ी जिंदगी अठा बली है सानू अरे गैर दिनी परवा बली। अब कहाँ जाए यार, बहुत बड़ा दिन लग रहा है आजकल। वाकई में यार दिनी शो करने की आदत सी हो गई है, अगर हमने शो नहीं किया ना तो बहुत बोरियत हो रही है आज यार। झूला झुला दो यार, बोर हो रहा था मैं, इस वजह से आया था काम करवाने, और अब काम करवा के मैं बोर हो गया। बुलावा तो है, खैर बुलावा भाई है, कराची है अपना, दिखाओ रात के 4 बजे ना भाई। भाई इधर तो देख लो, मैं आ गया हूँ अब, और अब मैं पहनूंगा कपड़े बहुत दिनों बाद। नहीं मतलब पहन तो पहले भी रहा था, लेकिन बीमार था ना तो वो फीलिंग्स नहीं आ रही थी। चले मैं कपड़े पहनने के बाद आपसे बात करूँ। 4 दिन से मेरी तबीयत खराब है, बहुत अफसोस हुआ है कि आप लोगों ने मुझे पूछा भी नहीं। आपका भाई हो गया रेडी। एनर्जी इस वजह से नहीं है क्योंकि एनर्जी निकल गई है बुखार में, 4 दिन से बीमार था। आप लोगों ने तश्वीश नहीं करी, पूछ नहीं। खैर जिंदगी है, जिसने आना है उसने जाना है, लेकिन जब तक रहेंगे तहलका मचा के रहेंगे। सो के तो उठ गया हूँ मैं, लेकिन मैं भी नाश्ता कर रहा हूँ। नाश्ते में मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये ब्रेड है और ये चाय है। मैंने क्या किया, मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि पेड़ में जाने के बाद तो वैसे ही मिलना है सबने। बात सही, दुआ करें मेरे लिए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, फिर दोबारा से माइक पकड़ के रोडो बजाऊं, क्योंकि बजाऊं। आज का जो दिन गुजरेगा वो आपके साथ गुजरेगा, क्योंकि मैं हूं तो आप हैं, आप हैं तो मैं हूं। बाहर निकलता हूं यार, बाहर निकलूंगा तो शायद ठीक हो जाऊं, घर में रहकर तो और बीमार हो जाऊंगा। बाहर निकल रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं कि मैं शर्ट कौन सी पहनूं। दुआ करिएगा मेरी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि आप बहुत ना अब बुरा लग रहा है, अब कब से ठीक ही नहीं हो रही है। एक हफ्ते बाद मिलने भाई, कहाँ थे, मुल्क तो नहीं छोड़ दिया था, मिले ही नहीं यार। नहीं नहीं भाई, मुल्क थोड़ी ना छोड़ेंगे यार, जब छोड़ना होगा तो छोड़ भी देंगे। क्या करना है आज का, फिर क्या सीन है, किधर जा रहे हैं यार? बस आज बाहर निकल जाएंगे, आज कुछ भी आज देखेंगे। बाहर तो निकलूं, 5 दिन बाद तो घर से बाहर निकल रहा हूं मैं। तो ये मसला ये है कि कहीं निकलो तो ट्रैफिक पहले जाम हो जाता है। यही तो मसला है कराची का भाई। देखो अभी सामने नई गाड़ी है लगी हुई है पीछे से, सही है। तो कराची में ये है कि भाई अगर आप रोड पे निकल गए ना, अगर आप किसी को नहीं मारेंगे तो वो आपको मार देगा। ऐसा ही है यार, आप अपनी गाड़ी से प्यार ही नहीं करो यार। ना आप गाड़ी से प्यार कर सकते हो, ना अपनी जान से प्यार कर सकते हो। कुछ टाइम पहले यहाँ पे जाने जाती थी, अब यहाँ पे गाड़ियाँ लगती हैं। यहाँ सारे क्रिमिनल लोग ही रहते हैं भाई, क्रिमिनल रहते हैं। हमारा देखो फिर ट्रैफिक रिकॉर्ड है, हम भी टारगेट किलर ही थे, लेकिन अब यूट्यूबर बन गए। बिल्कुल, कौन सी रोड पे मतलब ज्यादा करते थे? चलते फिरते। साड़ी जिंदगी अठा बली है सानू अरे गैर दिनी परवा बली। और फाइनली टायर ले लिया है, टायर लगने वाला है गाड़ी में थोड़ी देर में जो है, फिर हम गाड़ी लेके यहाँ से निकलेंगे। और आज के दिन तो करनी है फारी पूरी। अब कहाँ जाए यार, बहुत बड़ा दिन लग रहा है आजकल। वाकई में यार दिन ही शो करने की आदत सी हो गई है, अगर हमने शो नहीं किया ना तो बहुत बोरियत हो रही है आज यार। ऐसा ही है यार, बाकी टायर वाला जानता है आपने भाई? टायर वाला तो भाई फैन निकला, आप जो है वो चारों टायर ही नए डलवा लो उनसे फ्री। लेकिन नहीं फ्री में नहीं बोला उसने, वरना मैं डलवा लेता, पैसे लिए हैं यार। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आया, फैंस होते हैं लेकिन पैसे क्यों लेते हैं यार? टायर के भी इसने पैसे ले लिए, यही कह देता कि यार आप छोड़ो बस डलवा लो। भाई अगर मेरे पास आएगा ना शाहरुख खान, मैं कभी भी पैसे नहीं लूँगा, जाहिर सी बात है। और इसी वजह से मेरे भाई ने मुझे उस दुकान से निकाल दिया था, तो बर्बाद कर दोगे भाई। अभी हम कहाँ जाएंगे नहीं समझ आ रहा यार, कहाँ जाए? अच्छा बाहर निकलने से ये होता है कि तबीयत आपको अपनी बेहतर लगती है, फ्रेशनेस आ जाती है यार। आज मैं फ्री हूँ तो कोई भी अगर मुझसे मिलना चाहता है तो इंस्टा पे मैसेज छोड़ दे, इंशाल्लाह मिलते हैं बैठ के कहीं ना कहीं। चल झूठा सिम्बा, चले झूला झूलने। यार मेरा तो बहुत दिल है यार झूला झूलने। झूला यार भाई झूला दो यार। मेरे ख्याल से आज संडे है और ये जाने नहीं देंगे यार। मेरे ख्याल से सिम्बा की फैमिली है। हां फैमिली के बगैर नहीं जाने देंगे यार। यार सलमान भाई आपकी गाड़ी चलाने में इतनी सफाई कैसे यार, कोई गड्ढा नहीं पता लग रहा, यकीन करो यार। शीपा चलाता था पहले, डेड बॉडीज उठाता था, तो उनको ना बड़ा ख्याल से लेके जाना पड़ता था कि यार डेड बॉडी नीचे पीछे से गिर ना जाए। सोने मत देना पेशेंट को। जी सर। और इस गाड़ी की अभी हम लोग सीट्स वगैरह बनवा रहे हैं, जो कि अंदर बन रही हैं, अभी थोड़ी देर में बन जाएंगी, फिर हम आपको दिखाएंगे। आज फारिग थे तो सोचा गाड़ी का काम करवा लें। तुम क्यों आ गए यहाँ पे? क्या काम करवाने आए हो? ये अपनी गाड़ी में लगवाने आए हो? तो कहाँ, आगे लगाओगे पीछे? पीछे पीछे लगाओगे, दिखाओ। ये भी सीधे देख लो,
टूटा हुआ ही है। हाँ ये मतलब ये सारी चीजें पहले ही दिखा रहे हैं, फिर बाद में हम पे नाम मत डालना कि मैंने तोड़ा। अरे यार हम आपको क्या ऐसे ऐसे करके लड़के लग रहे हैं यार। नहीं हो चुका है ना। हाँ नहीं नहीं लड़के आजकल के बदतमीज है। जा रहे हो तुम्हारी गाड़ी का काम हो गया? थोड़ा सा काम था वो खरीदने का। वो वाले का गत्ता खुल के ही निकलता है गेट, अब क्या करें? अरे गेट नया लगवाने चले। गेट भी नहीं खुल रहा, बड़ा मसला हो गया यहाँ पर। गाड़ी का गेट भी बंद हो गया था, वो उसने खोल दिया। वो कह रहा 500 रुपये अलग से दो। काम बढ़ते हुए बढ़ता जा रहा है काम। खैर अभी गाड़ी कम्प्लीट हो जाएगी। काम करवाना ज़रूरी था यार इसका, क्योंकि बंदा कहीं भी रास्ते में फंस जाता बड़ी मुश्किल होती है। उस दिन शुएब गेट पे लेकर गया था जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गए थे। नहीं बताओ यार, बहुत बेइज्जती हुई थी। बेइज्जती हुई थी, गेट नहीं खुल रहा था ना। वो फंस गई, गेट नहीं खुल रहा, बाहर से आया फिर मैंने यहाँ से दरवाजा खोला, वो इधर से। तो ये बनवा रहे तुम्हारे लिए, करवा रहे हैं। तुम डेट्स वगैरह पे जाते हो ना लड़कियों को लेके, तो तुम सेफ रहो। शीशे तो मैंने काले करवा दिए हैं इसके, आगे वाला भी करवा। अच्छा ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी मैं सोच रहा हूँ लगवा लूँ। ऑडियंस को तो दिखाओ हम कहाँ लगा रहे हैं, कैसा लगेगा ये? अच्छा लगेगा यार। अच्छा लगेगा ना। हाँ लगा ले। लगा दो। आए तो हम मजाक में काम करवाने के लिए थे, क्योंकि बोर हो रहे थे। और अभी आप देखें अभी भी काम चल रहा है। रात के इस वक्त 2 बज रहे हैं और शुएब भी जा रहा है हमें छोड़ के। जा रहे हो? तो देखो बेचारा भाई कितनी मेहनत कर रहा है वो। आरिस अंदर बैठा हुआ है और गाड़ी का काम जो है वो इतना हुआ है कि सीट्स तो बन गई हैं, लेकिन अभी ये नहीं बने अभी अंदर के। बाकी आप ये देखें अभी इस वक्त ये दुकान खुली हुई है बस, जहाँ पे हमारा काम हो रहा है सीट्स का। बाकी पूरी मार्केट बंद हो गई है। मजाक में आया था काम करवाने के लिए, लेकिन टाइम इतना लग गया है ना। अभी इस वक्त रात के 3:30 बज रहे हैं शायद। मैंने कहा कि आप पीछे कवर्स रख लें, मैं कल आए करवा लूँगा। तो कहते हैं नहीं कल हमें बहुत काम होगा, आप आज ही लेके जाओ। बोर हो रहा था मैं, इस वजह से आया था काम करवाने, और अब काम करवा के मैं बोर हो गया। ऊपर से तबीयत भी ख़राब है। तबीयत आज ही थोड़ी सी ठीक हुई थी, बाहर निकला था कि चलो इन्जॉय करूँगा। पूरा दिन यहीं पर ही लग गया काम करवाने। खाना भी नहीं खाया, भूख भी लग रही है। मार्केट पूरी बंद हो गई है, कहीं चोरी ना आ जाए मोबाइल छीनने। भाई हो गया काम? भाई फाइनली हो गया है। बाकी अच्छे लोग थे जिन्होंने काम कर दिया यार। अभी इसमें फरारी का इंजन कब लगेगा? परसों। खैर लग रही है बहुत भूख और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। भाई अभी इस वक्त क्या खुला हुआ होगा? चैलेंज लगा लो, कोई भी जवान लड़का हो बिना नाश्ते के आया। मतलब तुमने नाश्ता नहीं किया? कुछ भी नहीं किया। अरे भाई मैं बोलता हूँ, गिलास भी है और आगे आपके पास। मैं बोलता हूँ कोई नस्ली रगों में तुम्हारे खून है जो तुम अभी तक चल रहे हो, यकीन करो। बाकी आज तो हारे सुने मेरा दिल जीत लिया है भाई। बुलावा तो है, खैर बुलावा भाई है, कराची है अपना, दिखाओ रात के 4 बजे ना भाई। कराची तो फिर कराची है भाई, इधर तो देख लो, बहुत भूखे लग रहे हो यार, बहुत ज़्यादा। मैं भी बहुत भूखा हूँ, बस खा के ही नहीं होता। ओके बाय। भूख लग रही है, कब से भूखे हैं यार? मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया हुआ यार, बहुत बड़ी बात है ये मुझे अपने ऊपर, मतलब बहुत वो हो रहा है। बहुत बढ़िया, क्या बर्दाश्त है यार मेरी। भाई आप मुझे बातों में लगा के खुद खा रहे हो यार। ब्लॉग हम यहीं पर ही एंड कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।